वेलकम स्टूडेंट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज। सबका स्वागत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में। ये जो पहला वीडियो हम बना रहे हैं वो जो आपका फर्स्ट यूनिट है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके ऊपर बेस है। इस यूनिट में मैं जस्ट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम कैसे रखने हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कैसा करना है, इसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो क्या लगता है आपको, क्यों जरूरत है नॉमेनक्लेचर की? आपको पता है किसी भी चीज का अगर यूनिफॉर्म नाम नहीं रखा हमने तो उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत कठिनाई हो सकती है हमें, बराबर? तो नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है, इसीलिए कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन अर्ली डेज, फॉर एग्जाम्पल इन 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी, बहुत कम कंपाउंड्स डिस्कवर हो गए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत कम कंपाउंड्स। सो उसका नॉमेनक्लेचर करना कोई मतलब डिफिकल्ट बात नहीं थी। तो जो भी सिस्टम उस समय यूज करते थे उसको हम ट्राइवियल नेम सिस्टम कहा करते थे। अब ये क्या है, ट्राइवियल नेम सिस्टम क्या है, वो हम जरा देखते हैं। देख लो, हम कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख देख लेते हैं उस टाइम का, तो उसका जो नाम रखा गया था वो काय के ऊपर से रखा गया था, फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, मतलब नेचुरल सोर्स फ्रॉम विच कंपाउंड वाज डिराइव्ड और डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। इन दो चीजों से बेस हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा करते थे उस टाइम पे। ये थोड़ा सा हमें इंटरेस्टिंग लगता है, तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मतलब ये ट्राइवियल नेम सिस्टम क्या है। आपको तो पता है, एसिडिक एसिड। सो इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन नेम एसिटम। ये एसिटम लैटिन नेम है और बेस ऑन दैट इट इज कॉल्ड एज एसिडिक एसिड। उसको हम विनेगार भी बोलते हैं, राइट? इसको हम विनेगार भी बोलते हैं, और इस विनेगार का लैटिन नेम है एसिटम, और फ्रॉम दिस नेम वाज गिवन। ओके, वी विल सी सम मोर एग्जांपल, राइट? सी दिस फॉर्मिक एसिड। अब ये कहाँ, ये हमें मिलती है रेड एंट्स में। अब आपको तो पता है रेड एंट्स, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ये पता नहीं रेड एंट क्या होता है। हो, ये काटने के बाद जो दर्द होता है ना हमें, वो इसकी वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड। तो रेड एंट्स जब भी काटती है तो हमारे स्किन में ये फॉर्मिक एसिड छोड़ जाती है और उसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है। तो रेड एंट्स को लैटिन में फॉर्मिका कहते हैं। इट्स लुक सुपर्ब्स, अच्छा लगता है ना सुनने को, फॉर्मिका। और फ्रॉम दिस नेम द नेम वॉज डिराइव, दैट इज फॉर्मिक एसिड। अब ये दो तो हो गए, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, बटर में ये रहता है ब्यूटरिक एसिड, तो इसको ब्यूटरिक एसिड बोलते हैं। यूरिक एसिड में यूरिया, सो यूरिक एसिड से यूरिया नाम डिराइव किया हुआ। सो ऑल दीज नेम्स वेयर नॉन सिस्टमेटिक नेम्स, मतलब उसका बेसिस सिर्फ क्या था, नेचुरल सोर्स, मतलब कहाँ से हमने उसको डिराइव किया है या फिर उसके क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बेसिस पे हमने ये नॉमेनक्लेचर किया है। तो ये सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर नहीं है, इट इट वाज अ नॉन सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर। अब इसमें, और इसमें कुछ दिक्कत भी नहीं थी, मतलब दिक्कत क्या, दिक्कत कब पैदा हुई, जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज होने लगे लैबोरेटरी में, उस टाइम पे हमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ने लगी। तो क्या हुआ, मतलब 17th 16th सेंचुरी में साइंस की डेवलपमेंट्स आगे बढ़ती गई, और उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे कंपाउंड्स लैबोरेटरी में सिंथेसाइज करना भी शुरू हो गया। मतलब पहले हमें सिर्फ नेचुरल सोर्सेस से कंपाउंड्स मिलते थे, उसके बाद जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेवलपमेंट बढ़ती गई, लैबोरेटरी में भी हम कंपाउंड सिंथेसाइज करने लगे। तो अब बहुत सारे कंपाउंड्स अगर हम सिंथेसाइज करने लगे तो उसका नाम रखना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, बराबर है ना? मतलब अगर किसी कंपाउंड को इंडिया में कुछ एक्स वाई जेड नाम है तो उसका नाम अमेरिका में अलग होगा, अगर हम इंग्लैंड गए तो वहाँ पर अलग होगा, अगर हम फ्रांस गए तो वहाँ पर अलग होगा।
तो मतलब वो तो डिफिकल्ट हो गया ना, मतलब आइडेंटिफाई करना तो डिफिकल्ट हो गया। तो क्या हुआ कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम की जरूरत हमें लगने लगे उस टाइम पे। वो जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट थे उस टाइम के, मतलब जो भी केमिस्ट्री फील्ड में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट लोग थे उस टाइम पे, उनको सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर की जरूरत लगने लगी। तो उन्होंने क्या किया, 1892 में एक मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने अरेंज किया जिनेवा में। ओके, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट हेल्ड मीटिंग इन 1892, और उस मीटिंग में उन्होंने ये जो सारी डिफिकल्टीज है उनके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया, और सब ने मिल के उस टाइम पे ये सिस्टम लॉन्च की। उसको हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये इस्टेब्लिश कर दी गई उस बार। आपको पता है IUPAC का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड कंपाउंड्स। ओके, तो इस सिस्टम के लॉन्च होने के बाद कुछ रूल्स डिसाइड किए उन्होंने, और वो रूल को याद रखते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर कर सकते थे। अब इससे क्या हुआ, सपोज एक आधा कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल से एनी कंपाउंड, इसका नाम अगर इंडिया में ये है तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी वही होगा, मतलब ये सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर हो गया। ओके, सो दिस सिस्टम वॉज वेरी गुड और वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ ये सिस्टम में क्या है बेसिक रूल्स, वो हम जरा देखेंगे क्या है। ये सब आपने मतलब पढ़ा है, अपने जो लोअर क्लासेस में आपने जो स्टडी की है ना, उसमें आपने ये सब पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं जस्ट, ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, तो हम जस्ट रिकैप कर रहे हैं वो सब, वो सारी चीजें, सो दैट आपको भी मतलब रिकैपिटुलेशन हो जाए आपने जो पढ़ा है अपने लोअर क्लासेस में, और हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो भी आपको इजी जाए। ठीक है, तो ये जस्ट शुरुआत है, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो सबसे पहला रूल जो उन्होंने डिसाइड किया वो क्या है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। जो भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमारे सामने होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, और करस्पॉन्डिंग टू दैट जो भी नॉर्मल अल्केन मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको पेरेंट अल्केन कंसिडर करेंगे। सो ये बहुत पहला रूल और बहुत इम्पोर्टेंट रूल है जो कि हमें यूज करना चाहिए नॉमेनक्लेचर देते समय। अब ये दूसरा रूल देखो कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होने के बाद उसको नंबरिंग करनी पड़ती है हमको, तो हम किस एंड से नंबरिंग करें, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। तो उसका आंसर सिर्फ ये है कि आप उस एंड से नंबरिंग करना शुरू कर दो जिस एंड से ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है। तो जिस एंड से ब्रांचिंग हो रही है, या जिस एंड से ब्रांचिंग नजदीक है, या जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है, या जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, उस एंड से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो बहुत सिंपल रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये दो हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो सेम भी हो सकते हैं, मतलब सेम सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि हमको प्रीफिक्सेस यूज करने हैं। मतलब अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो हम डाई यूज कर सकते हैं, अगर तीन सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो हम ट्राई यूज कर सकते हैं, अगर चार है तो टेट्रा यूज कर सकते हैं। तो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें प्रीफिक्सेस यूज करने हैं। तो ये हो गया तीसरा बेसिक रूल। अब आगे चलते हैं। अगला है कि इफ द डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन वी हैव टू अरेंज देम, और वी हैव टू गिव द नेम एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये हो गया चौथा अगला वाला रूल। और उसके बाद का जो रूल है वो है कि नंबर और नेम्स हमें हाइफेन से सेपरेट करने हैं, और नंबर्स हमें कॉमा से सेपरेट करने हैं, और उसके बाद हमें पेरेंट अल्केन का नाम लिखना है एट द एंड। तो ये हो गए बेसिक रूल्स, और इसको हम फंडामेंटल रूल्स भी कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर के। ये मैंने क्यों पढ़ा है स्टार्टिंग में, आपने आपने इसको स्टडी भी किया है लोअर क्लासेस में, आपको ये पता भी है, लेकिन अगर ये
हम भूल जाते हैं, मतलब ये रूल्स अगर हम भूल जाते हैं तो हमें आगे चल के बहुत दिक्कत हो सकती है पढ़ाई करने में। तो किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हमें IUPAC नॉमिनक्लेचर करना है तो हमें ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा इस यूनिट का, तो मैं बहुत ज़्यादा तो डिटेल में या डीप में आपको नहीं ले जा रहा हूँ इस पहले ही लेक्चर में, लेकिन मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ जो कि अगले लेक्चर में जाकर हमें यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स में तीन टाइप के का हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसको हम अल्केन बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं, अल्काइन्स बोलते हैं, और बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स भी है। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, ओके, या फिर दूसरे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लाइक अमाइड है, ईथर है, अनहाइड्राइड्स है, नाइट्रो कंपाउंड्स है, हेलोजन कंपाउंड्स है, ओके। तो बहुत सारे क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनको हमें उनका नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है हर टाइम पे, ओके। अब आप कहीं पर भी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हो, मतलब आप कौन से भी क्लास में हो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है आपको, तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। अगर आपको नॉमेनक्लेचर आता है तो उससे दो बातें बहुत इजी हो जाती है। एक तो IUPAC नेम से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर हमको स्ट्रक्चर दिया है तो उसके ऊपर से हम IUPAC नेम लिख सकते हैं। वो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करनी है आगे जाके, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूनिट। तो आपको मैं ये जस्ट पहला जो लेक्चर है ये सिर्फ मैंने एज अ बैकग्राउंड क्रिएटर बोल के किया है, तो आप इसको सुनिएगा। ये जो रूल्स है ये ध्यान रखो इसको, और आगे चल के जो वीडियो हम देखने वाले हैं उसमें हम एक एक करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अल्कीन एंड सो ऑन। हम हर एक वीडियो में एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक क्लास लेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर की पढ़ाई करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यूनिट। तो आप सब ये पहला वीडियो सुनिएगा, और आपने जो भी लोअर क्लासेस में नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी किया है उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, वो आपको आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट, फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं इस वीडियो में, बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।